हेलो टू एवरीवन तो होप करता हूँ भाई लोग आप बहुत अच्छे होंगे तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपके सामने हूँ वेगनर वी एक्स के साथ इसका बेस वेरिएंट है इंडिया की फर्स्ट चॉइस एक टाइम पर रह चुकी है एक परफेक्ट फैमिली वहीकल ये है सारी चीजें पूरी करता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तो बस आज हम इस सबके बारे में बात करेंगे की काफी आ चुकी है, बट मोस्ट सेलिंग से यही है जो नई वाली वेगनार आई है उसकी उसमें बताऊंगा उसमें तो एक बार आप इसका पूरा लुक देख लीजिए फिर हम इसके बारे में सारी बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फाइव मिल जाती है और विर्थ की बात करूं तो मिलती है

बीच में मिल जाता है सुजुकी का लोगो और ऐसी है कुछ उसकी क्रोम की फिनिश साइड से है कुछ इसका ऐसा लुक साइड पोर्शन में चले तो हमें मिल जाते हैं साइड में इसके इंडिकेटर्स इधर मिल जाता है ओ आर वी एम जो इसका मैनुअली है हाथ से आपको चेंज करना पड़ता है ऑटोमेटिक नहीं है इसके टायर की बात करें तो हमें इसके अंदर स्टील रिम के साथ टायर मिल जाते हैं जिनकी प्रोफाइल आपको देख सकते हो अगर आपको यहाँ दिख रही हो थर्टीन इंच के हम इसके अंदर टायर मिल जाते हैं ऐसा है कुछ इसका साइड का पूरा लुक आप एक बार देख सकते हो चलते हैं हम गाड़ी के पीछे पीछे हम बात करें, तो ये हमें एक बार ऐसी ऊंची है साइज आप देख सकते हो काफी ऊंची है तो कंफर्ट है अंदर से गाड़ी का उसके बाद में अभी बात करूंगा पीछे मिल जाता है सुजुकी मारुति सुजुकी बीच में क्रोम में बिल्कुल वैगनर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है एलेक्सा वेरियंट की बैजिंग आपको पीछे मिल जाती है ऐसा है कुछ पूरा लुक अब हम चलते हैं इसके अंदर पोर्शन में और एक और अच्छी चीज बताऊं तो सबसे पहले भाई वो ये है रूफ रिल्स गाड़ी में रूफ रिल्स आई थी उस टाइम पे जब ये थी तो काफी सही लगती है गाड़ी के अंदर रूफ रिल्स मैं सोच रहा हूँ कि अपने बलेनों में लगवाऊ नहीं लगाऊ लगवाऊ तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताइएगा मैं मैं लगवाऊ नहीं लगवाऊ अपनी गाड़ी में रूफ रिल्स एक बार चलते हैं हम गाड़ी के अंदर ऐसा है कुछ इसका नॉर्मली भाई ये है इसका लुक ब्लैक कलर में मिल जाता है यहाँ इधर की ऑप्शन है बगल में चले तो बगल में हमें पावर विंडोज के कंट्रोल है फ्रंट की दो पावर विंडोज हमें इसके इसके अंदर 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 मिलती हैं तो उसके हमें इसके अंदर कंट्रोल मिल जाते जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आ भाई। अब भाई गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं इसे मैं करता हूं बंद गाड़ी करता हूं इसको करता हूं इसको सीट करता थोड़ा सा पीछे देखिए ऐसा है कुछ इसका अंदर से पूरा लुक आप देख सकते हैं ऐसी कुछ स्टेयरिंग कोई भी स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल नहीं मिलते क्योंकि बेस वेरिएंट ऑब्वियस सी बात इधर देखेंगे तो ऐसा है कुछ इसका स्पीडोमीटर पूरा आप देख सकते हो ऑन करके अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि कैसा कैसा इसकी वर्किंग क्या क्या इसके अंदर दिया गया सामने की बात करें डैशबोर्ड की तो ब्लैक और क्रीम कलर का हमें यहाँ फिनिश मिल जाता है बहुत ज्यादा प्यारा है हमें लग रहा है ये स्टीरियोस के अंदर आता नहीं है नॉर्मल स्पेस आती है ये बाहर से सीरीज का पार्ट है वो उन्होंने लगवाया है और नीचे साइड चले तो नीचे ब्लैक में ये नॉर्मल मैनुअल एसी हमें मिल जाता है अब नई गाड़ियों में बेसिकली ऑटोमेटिक और वो बटन वाले आ रहे हैं बट ये भी एक टाइम पे काफी अच्छा रहा है अच्छा चलता है नीचे साइड चले तो यहाँ हमें दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं और एक प्यारा सा एक हैंडी एक गियर मिल जाता है फाइव मैनुअल गियर हमें इसके अंदर दिए गए हैं काफी अच्छा है दिखने में पीछे साइड चले तो ये हमें नॉर्मल एक हैंड ब्रेक है काफी ठीक है काफी नीचे है मैं कहूं थोड़ी सी ऊंची हो सकती थी पर यार अब ये सब तो चलता रहता है गाड़ियों में इधर चले तो इधर हमें मिल जाता है एक ग्लब बॉक्स ऊपर की साइड नीचे चले तो हमें नीचे भी मिल जाता है एक इधर भी ग्लब बॉक्स हमें मिल जाता है बाकी ये सब तो हो गया भाई एक इसमें ये शायद कुछ है अच्छा ओ ये ये बढ़िया भाई यहाँ आप ग्लास व्लास रख सकते हो ये काफी सही है मेरी गाड़ी में नहीं है ये चीज मुझे खराब लग रहा लगा इसमें दिया गया काफी सही है इसके अंदर आप आराम से बंद कर सकते हो साइड से कुछ ऐसा है इसका पूरा लुक आप देख सकते हो अब हम ऊपर की साइड चले तो यहाँ मिल जाते हैं हमें सनवाइजर इस साइड कोई भी मिरर नहीं दिया गया है बीच में एक नॉर्मल सा मिरर दिया गया है यहाँ मिल जाती है हमें लाइट जिसे आप देख सकते हो और इस साइड वाले सनवाइजर पे भी हमें कुछ नहीं दिया गया है तो तो भाई ये तो हो गया इसका पूरा फ्रंट की पूरी बात जैसा कि आप देख सकते हो इसको अच्छे से मैं एक बार पैसेंजर साइड से आपको बैठ के और दिखाता हूँ कि कैसा कैसा पूरा सीन है इसका पैसेंजर साइड तो पैसेंजर साइड अभी हम चलते हैं पैसेंजर साइड से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार तो भाई पैसेंजर साइड से चले तो मैं यहां बैठ के हूँ बड़े आराम से काफी ठीक है नॉर्मली आप आराम से बैठ सकते हो थोड़ी स्पेसिंग की कमी है कोई थोड़ी छोटी गाड़ी है तो स्पेसिंग वगैरह की हल्की सी कमी लग रही है बट हाँ सीट कंफर्टेबल भी थोड़ी सी कम है थोड़ी सीट कंफर्टेबल भी कम है तो भाई इधर से बैठा हूं तो इधर से कुछ ऐसा दिखता है पूरा इसका इंटीरियर का लुक काफी प्यारी गाड़ी है एक एक फैमिली बजट कार आप इसे भी बोल सकते हो क्योंकि नॉर्मली यार सारी खूबियां पूरी कर रही है ये तो हम चलते हैं पीछे की साइड और देखते हैं पैसेंजर साइड में हमें क्या क्या मिल जाता है तो भाई ये हम आ गए पैसेंजर साइड ये हम बैठ गए आराम से तो भाई काफी अच्छी स्पेस हमें मिल जा सक, मिलती है जैसे आप देख सकते हो काफी ठीक ठाक सी स्पेस है यार और क्या चाहिए नॉर्मल इस गाड़ी में इतनी स्पेस ठीक है पीछे की साइड हमें यहां कुछ भी नहीं मिलता नॉर्मल ये तो सब छोड़ दिया है उन्होंने और ऐसा है कुछ इसका पीछे से लुक पूरा आप देख सकते हो ये है कुछ इसका इंटीरियर पूरा इधर आमरेस्ट वाम आम रेस्ट का कोई भी सीन नहीं है नॉर्मली आपको मिल जाते हेड रेस्ट मिल जाते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे को भाई सर्वर का क्या सीन है तो भाई सर की बात कर रहा हूँ देखो आप आराम से काफी स्पेस है काफी अच्छी स्पेस है कोई सर्ट टच होने है, कोई सर टच सीन नहीं है थोड़ा सा लाइटनिंग का इशू है उसे इग्नोर कर देना तो सर्वर टच होने कोई इशू नहीं काफी अच्छी स्पेस हमें अंदर से इसके अंदर मिल जाती है ये तो होगी इसके पूरे इंटीरियर की बात अब हम चलते हैं इसके बैक पोर्शन में देखते हैं कैसी कैसी इसकी बूट स्पेस हमें इसके अंदर मिलती है तो चलते हैं गाड़ी के पीछे एक बार तो भाई ये है कुछ ऐसी है इसकी की मैं आपको इसकी एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूं इसे कर देते हैं हम अनलॉक तो भाई ऐसी कुछ इसकी हमें बूट स्पेस के अंदर मिल जाती है जैसे कि आप पूरी इसकी देख सकते हो इतनी बूट स्पेस है मे बी तो नहीं कहूंगा छोटी गाड़ी के हिसाब से ठीक है और नीचे हमें मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील वही थर्टीन इंच का स्पेयर व्हील है काफी अच्छी कंडीशन भैया ने इस गाड़ी की कर रखी है बाकी जितनी भी ये बूट स्पेस है आपको स्क्रीन पे शो रही हो रही होगी इस साइड आप देख सकते हो कि कितने लीटर की बूट स्पेस हमें इसके अंदर मिलती है तो इसे मैं अब कर देता हूँ बंद ये नॉर्मल देख सकते हो काफी अच्छे लग रहे हैं तो इसे मैं अब करता हूँ बंद ये हो गया भाई बंद फ्यूल टैंक ये हो गया अभी हमारा बंद हो चुका है अब मैं आपको सब मेन चीज के दिखाता हूँ जो है इसका इंजन एक बार हम इसके इंजन की बात और कर लेते हैं तो इंजन को मैं एक बार कर देता हूँ अनलॉक ऐसे ही एक्सप्रेसो में इधर से अनलॉक होता है इंजन भी तो भाई इसे करते हैं एक बार अनलॉक ऐसा कुछ बड़ा प्यारा सा इसका इंजन दिख रहा है मुझे इन्होंने कवरिंग वगैरह सही दी भाई मेरी बलेनों में काफी गंदी तरीके से कवर करगा तो अच्छे से लग रहा है तो ये है कुछ इसका इंजन 1000 सीसी का हमें इसके इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 67BHP, 5, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है नाइनटी एन एम आरपीएम पे तो भाई ये तो इसके इंजन की बात हो गई मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ इधर ये पूरा बैटरी वैटरी का पूरा पोर्शन दे रखा है इधर ये, ये वाला जो मारुति का सीन है ना आप इसे दे सकते हो ये मेरी बलेनो में भी है तो ये मारुति वालों को ये वाला अच्छे से फिनिशिंग वगैरह नहीं करते हो गंदा -गंदा मतलब तो अच्छा कर ना तो ये इसके पूरे इंजन -विंजन की बात हो गई है मैं मेन चीज बताऊं जो उसका एवरेज है कंपनी तो क्लेम करती है बेसिकली ट्वेंटी बहुत ज्यादा क्लेम कर रही है ठीक है इतना तो नॉर्मली गाड़ी दे ही सकती है बेसिकली आठ सौ नौ सौ किलो के आसपास की गाड़ी है ये पूरी की पूरी तो ये तो इसका पूरा मैं हमने बात कर ली सारे लुक्स वगैरह की क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और मोस्ट सेलिंग कार एक टाइम पे रह चुकी है क्योंकि भाई फैमिली की फर्स्ट चॉइस यही थी सब चाह रहे थे एक सस्ती सी गाड़ी है दो लाख इंच दो लाख सॉरी चार लाख तीस हजार के आसपास में ये गाड़ी आ जाती थी उस टाइम पे चार लाख तीस हजार चार लाख पचास हजार के में ये आ जाती थी तो काफी डिमांड रही है इस गाड़ी की बट अब बेसिकली वेगनार नहीं, नहीं आ चुकी न्यू जनरेशन आ चुकी है काफी अच्छा लुक है उसकी वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा अगर वीडियो यहां तक देखिए तो भाई हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब कर देना नीचे जो सब्सक्राइब का जो बटन नीचे आपको दिख रहा है ना भाई उसको कर देना ग्रे लाल हो रहा होगा अभी ग्रे कर देना आपकी स्क्रीन पे तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो मिलते हैं हम अगली वीडियो में तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए जुड़े रहिए अपना ख्याल रखिए तो चलते हैं